दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। शाम के 7:15 बज चुके, इतवार का दिन है, 23 अगस्त तारीख है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा वैक्सीन के बारे में। पब्लिक बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा एक तो एंशियस है और कुछ एंजाइटी है और कुछ उत्सुकता है। तीनों बातें ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क है। नवंबर में वुहान चाइना में शुरू हुआ, 23 करोड़ की आबादी, 23 करोड़ की आबादी पूरे दुनिया में संक्रमित हो चुके हैं, कुछ रिकवर हो गए। भारत में 30 लाख लोग संक्रमित हैं, लेकिन अभी हमारी जो टेस्टिंग रेट है काफी तेज हो गई है, लेकिन अभी भी वो अमेरिका और इटली और जर्मनी और इंग्लैंड के हिसाब से कम है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हमारे मिनिस्ट्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से कोरोना के वॉर को लेके 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया, 22 मार्च को उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू किया, तब से पूरे लगे हुए मिनिस्ट्री लगी है और बाकी काफी संस्थाएं इसमें रोक में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी 30 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, 56,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक दिन में करीब 60,000 लोग नए बढ़ रहे हैं। ये सब बातें अलग है, स्टैटिस्टिक टेलीविजन बता रही है। अब बात होती है वैक्सीन की, आपको 3 डेडलाइन याद दिलाना चाहता हूं। एक करीब 2 महीने पहले एक फ्लटर हुआ, फ्लटर मतलब जब हार्ट फड़फड़ाता है उसको फ्लटर कहते हैं, लेकिन अब न्यूज फड़फड़ाती है उसको फ्लटर कहते हैं। एक न्यूज फ्लटर आई कि 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी इंडिया में। एक्चुअली वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेटेड था। एक लेटर गया था आईसीएमआर से भारत बायोटेक को, उसमें कहा था कि आप कोशिश करिए 15 अगस्त तक ले आए। वो लेटर काफी क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट कंट्रोवर्सी। एक उसमें एक पॉजिटिव बात यह कि मेहनत की गई, कोशिश की गई कि शायद आ जाए। फिर एक फ्लटर आया अगस्त 10 तारीख को, 8 तारीख को, जब रशिया के मिस्टर पुटिन ने कहा 12 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी। सब लोग बड़े खुश हो गए, हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, डॉक्टर वैक्सीन कितने की आएगी, कब आ रही, कितना इंडिया में कब आएगी। वो भी एक तरह का आई वुड से अगेन फ्लटर, फ्लटर मतलब न्यूज विदाउट बेसिक्स। उसमें क्या हुआ था, जो रशिया की वैक्सीन थी, रशिया ने जो ट्रायल किया है वो फेज 3 ट्रायल में पहुंच गया। अब फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के बारे में आपको थोड़ा मैं बार बार बता चुका, लेकिन आज फिर बताऊंगा। वैक्सीन डेवलप करना इतना आसान नहीं होता, अगर इतना आसान होता सारी बीमारी की वैक्सीन आ चुकी होती। अभी तक एड्स की वैक्सीन नहीं आई है, एड्स कितने दिनों से लोग परेशान कर रहा है, लेकिन बीमारी का इलाज आ चुका है। तो दो तरीके से एक बीमारी को लड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन, रोकथाम। रोकथाम तब कर पाएंगे जब उसका कारण पता लगेगा। दूसरा होता है इसका इलाज, यानी कि हमें दवा दे दी, मरीज ठीक हो गया, इन्फेक्शन हुआ एंटीबायोटिक दे दी, हार्ट अटैक हुआ एंजियोप्लास्टी कर दी, कैंसर हुआ तो एंटी कैंसर दवाई शुरुआत में कर दी, गॉल ब्लैडर का हुआ तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया। ये किसी वजह से इलाज, ट्रीटमेंट, एंड दीज आर मोस्टली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो अभी तक कोरोना में प्रिवेंशन पता है, मास्क पहने, 3 SSMS, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, सबको बताया है, सब लोग बता चुके हैं, कर भी रहे हम लोग। देखिए सैनिटाइजर हमारे पास भी रखा हुआ है, हर 3 मिनट पे आदत पड़ गई, करते रहते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। कोई भी ऐसा कारगर दवाई आ गई, एंटीवायरल, रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आइवरमिक्टिन, ये ओरल दवाइयां हैं, फेविपिराविर जो कि ओरल एंटीवायरल मेडिसिन है, लेकिन कोई भी 100% शोधी वाली दवा नहीं है। अभी रामबाण नहीं आया है कि दवा दे दी मरीज ठीक, ऐसा अभी तक नहीं है। अभी हमारे पेशेंट हमारे अंडर में भी हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, निमोनिया हो गया, दिल का डीवीटी हो गया, क्लॉटिंग बन गया है। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोरोना। कोरोना इज नॉट इजी बीमारी, दैट्स ट्रू। ये ऐसी बीमारी है जिसका मोर्टेलिटी, आप देखिए मृत्यु दर अलग बात होती है, मृत्यु दर कह रहे हैं पहले 10% था, 5%, 2%, 3%, 4%, ये सब अलग बात है। लेकिन अगर 4% भी है तो बड़ा हाई रिस्क है, 3% भी तो हाई रिस्क तो ही है। और लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप कैंसर की मृत्यु भी ज्यादा होती है, ट्यूबरकुलोसिस की मृत्यु भी होती है, वो सालों साल बाद होती है। यहां तो 14-15 दिन में पेशेंट जो जिसको जाना है वो 15-20 दिन द पेशेंट आई, एंड देयर लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स दे हैव डाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे कई दोस्त। तो डरने वाली बात तो ही है, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। वैक्सीन के बारे में हम बताना चाह रहे थे। तो अभी तक कोई रामबाण नहीं है, कई दवाइयां हैं जिनका शोध, जिनको ट्राई किया जा रहा है। जैसे दवाई इस्तेमाल होती थी टाइफाइड के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, टाइफाइड वाली बात नहीं है, किसी और बीमारी के लिए दवाई इस्तेमाल हुई, उसको हमें ट्राई किया कि हो सकता है कोरोना में काम करे। इस तरह के हमारे फादर ने भी एक ट्रायल के लिए लिखा हुआ है सरकार को, अभी थोड़ा सा अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि ट्रायल कब शुरू होगा। तीसरा होता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन का प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब हमने किसी को दवा टीका लगाया, टीका कहते हैं, टीका लगाया
और बॉडी के अंदर एंटीबॉडी या टी सेल्स बन गए, जो कि अगर वायरस आपको अंदर आया कोरोना का तो आपको रोक लेगा, आपको बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन में पहला डेवलपमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर उसको कंफर्म करना एनिमल ट्रायल, फिर होता है फेज वन। फेज वन मतलब करीब 100 से कम मरीजों में ट्राई किया गया और कोई साइड इफेक्ट नहीं आए और कारगर हुई। फिर फेज टू ट्रायल 100 से ऊपर में किया गया, उसको भी फॉलो किया गया कई महीनों तक, देखा कोई फायदा भी करे और कोरोना हुआ भी नहीं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। फिर फेज थ्री। अब भारत की जो तीन है, जो आज अपने अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ट्वीट आया, इसलिए मैं आज बता रहा हूं कि एंड ऑफ द ईयर तक वैक्सीन आने की संभावना है। अब तीन वैक्सीन है जो भारत में, टोटल वैक्सीन 170 के आसपास पूरे वर्ल्ड में ट्राई हो रही है अलग अलग फेज में, कुछ रिसर्च में है, कुछ डेवलपमेंट में, रिसर्च डेवलपमेंट में है, कुछ एनिमल ट्रायल में है, कुछ फेज वन में है, कोई फेज टू में है, कोई फेज अभी फेज थ्री में पहुंचने वाले तीन ट्रायल बताऊंगा। तो भारत की वैक्सीन बारे में बताना चाहता हूं। भारत में तीन तरह की वैक्सीन है, एक तो भारत बायोटेक की है जो आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन के साथ बन रही है, दूसरी है कंपनी है प्राइवेट कंपनी है जाइडस कैडिला, वो अलग से वैक्सीन बना रहे हैं। ये दोनों फेज वन क्लिनिकल ट्रायल में से समाप्त होकर फेज टू में पहुंच गए हैं। फेज टू में अगर सक्सेसफुल मिलेंगे तो फेज थ्री में पहुंचेंगे। पर्पस है कि वैक्सीन का दो पर्पस होते हैं, ऐसा नहीं कि आप वैक्सीन लगा के सो जाइए। वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो यह भी कंफर्म होना चाहिए, ये दो बातें बहुत जरूरी है। और तीसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मैंने बताया पहला भारत बायोटेक जो कि आईसीएमआर के साथ है, दो फेज वन क्लिनिकल ट्रायल से फेज टू में पहुंच गए हैं। दूसरी है जाइडस कैडिला, वो भी कह रहे हैं जाइडस कैडिला इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ फार्मा कंपनी, वो भी अपनी वैक्सीन बना रहे हैं, वो भी फेज टू में पहुंच गए, दोनों भारतीय हैं। तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड वालों से कोलैबोरेशन किया है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी भारतीय वैक्सीन बनाएगी क्योंकि भारत का एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसने कोलैबोरेशन किया हुआ है। अब तीनों में कौन पहले आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में आ जाए तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, जिससे कि हम लोग वैक्सीन सब लोग लगा पाए और जिससे कम से कम कुछ कोरोना के केसेस कम हो जाएं। तो ये आपको जानकारी आज देना चाह रहे थे कि एंड ऑफ द ईयर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके पहले हो सकता है मॉडर्ना वैक्सीन आ जाए। अब रशिया वालों ने कहा है कि हमारी जो वैक्सीन है वो फेज थ्री में शुरू कर दी उन्होंने, करीब 1200 या 1400 लोगों को ट्रायल में डाला उन्होंने, ज्यादा नहीं डाला, जबकि होना चाहिए कम से कम 25 से 30 हजार, जो एक्चुअल जो पुराना है, लेकिन हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, स्पीड अप कर सकते हैं, वी शुड नॉट डू शॉर्टकट बिकॉज फाइनली इट विल बी यूज्ड इन ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स, करोड़ों लोगों को लगेगी और किसी में ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। आपको मैंने बता दिया डॉक्टर विवेक गुप्ता, अब आप चिंता मत करिए, अब भगवान को छोड़िए, भगवान को मानिए, आप सही बात है गलत कह रहे हैं, आपके पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, हम तो डॉक्टर हैं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, टेक केयर, लेकिन इससे निजात मिलेगा और जल्दी मिलेगा, कब मिलेगा ओनली गॉड नोज, वी कैन ओनली प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट, वी आर नॉट टू श्योर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ऑन 23rd of August शाम के 7:02, 6:58 पे मैं अपनी बात और दिल की बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।